कृपया आप एक बार अपने बॉडी की सर्विसिंग का मौका जरूर दें। क्या आपने कभी अपने बॉडी का सर्विसिंग कराया है? आप लोग हमें जवाब भी देंगे बीच में। क्या आप लोगों ने कभी अपने बॉडी का सर्विसिंग कराया है? यस यस मैंने किया है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चूंकि सब लोग अपने गाड़ी का, फोर व्हीलर का, टू व्हीलर का, सबका सर्विसिंग कराते हैं और एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम कराते हैं, बहुत ख्याल रखा जाता है अपने बाइकिल का, फोर व्हीलर का। लेकिन अगर वैसे ही टाइम टू टाइम अपने बॉडी का भी ध्यान रखा जाए, अपने बॉडी का भी सर्विसिंग कराया जाए, तो मैं ये गारंटी लिख के दे दूंगा कि 100 साल प्लस जीने का सबको हक है और सब लोग जी सकते हैं। लेकिन 100 साल प्लस जीने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपने बॉडी की सर्विसिंग करानी पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सभी को स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की आवश्यकता क्यों है? क्या आप जानते हैं कुछ कड़वे तथ्य? पूरी दुनिया की हेल्थ संकट में। इस टाइम पैसे तो सबके पास बहुत हैं, लेकिन सभी लोगों के पास हेल्थ नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हेल्थ बहुत बड़ा संकट और केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। आप सब लोग पूरे 4 साल से, हम सारे लोग पूरे 4 साल से बिल्कुल परेशान है एक वायरस से जो कोविड का है, कोविड-19। पूरे 4 साल से पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। पूरे विश्व में लोग, तबाही मची हुई है। मतलब जो देहांत होने का रेशियो बढ़ा है, लोग काफी परेशान है। जैसे अभी फिर से कोविड का फिर स्टार्ट हो गया, फिर से लोग कोविड से ग्रसित होने लगे। लेकिन हम जितने ट्यांसियन हैं, क्या हम लोगों के बीच कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोविड हुआ है, जो कोविड से ग्रसित है? नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम अपने बॉडी को टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हैं। कुछ लोगों को मान सकता हूं जो अपना सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं, हो सकता है, लेकिन जो टाइम टू टाइम अपने बॉडी का सर्विसिंग किए हैं, उसको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। सारे लोग ढूंढते हैं कि क्या खाएं कि हम स्वस्थ रहें। जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं, सभी को स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की आवश्यकता क्यों है? यानी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम क्या खाएं कि हमेशा स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़े। लेकिन उसमें और भी बहुत लोग हैं जो बीमार होते हैं, फिर खाने के लिए सोचते हैं कि बीमार हो गए, अब कौन सा दवा खाएं कि स्वस्थ हो जाएं। तो ये चीज हमें लोगों को जागरूक करना है कि आप बीमार ही ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हम बीमार ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम हेल्थ से अवेयर कराने का ही काम करते हैं। यानी जब बीमार नहीं है, तो बीमार नहीं है उसके पहले ही अपने आप को स्वस्थ रखें। हम बीमार हो ही नहीं, थोड़ा
थोड़ा सा मैं 2 मिनट का एक एग्जांपल लूंगा आप लोगों के बीच में, जो मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। मैं 7 साल पहले, हमारे रिलेशन के ही एक लोग हैं जिनका मैं चेकअप किया था, 7 महीना पहले मैं उनका चेकअप किया था, बॉडी का, पूरी बॉडी का चेकअप अपने एक्यू लाइफ मशीन से किया था। एक्यू लाइफ मशीन से चेकअप करके उनकी एक एक बीमारी को मैं बताया था, आपको ये बीमारी है, पेट का प्रॉब्लम है, आपको साइटिका हो चुका है क्योंकि आपके पैरों में काफी दर्द होता होगा, नसें ब्लॉकेज हो चुकी हैं, कमर में प्रॉब्लम होता है, स्पाइन का डिफेक्ट है, मतलब हर एक बीमारी उनको बताया था और पर्ची पे एक एक पॉइंट उनको लिख के दे दिया था और दवा क्या क्या लेना है आपको, सब सप्लीमेंट जो भी अपना फूड सप्लीमेंट होता है लिख दिया था, आपको ट्रीटमेंट क्या क्या लेना है पूरा एकदम बढ़िया से उसको लिख के मैं उनको दे दिया था। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि हमें साइटिका हुआ है, वो ये चीज मानने को तैयार नहीं थे कि हम पेट से बीमार हैं, हम कमर से परेशान हैं। लेकिन 7 साल बाद अभी उनको दिसंबर में ही 15 तारीख के आसपास उनका अचानक ऐसा स्थिति हुआ, बिल्कुल बेड रेस्ट हो गए, यानी उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद काफी कई जगह वो दिखाए अपने आप को, चारों तरफ हर जगह दिखाए, कोई डॉक्टर बोल रहा था कि नस दब गया है, कोई बोल रहा था कि आपकी पैरों में सुनापन आ गया है। उसके बाद फिर उनको ध्यान आया कि मैं उनको चेकअप करके ये सारा प्रॉब्लम बताया था, फिर वो हमें कॉल किए, हमें कॉल करके बताए कि डॉक्टर साहब आपने जो जो प्रॉब्लम हमको बताए थे, क्योंकि हमारे रिलेशन के ही हैं, तो बोल रहे थे कि आपने जो कुछ भी प्रॉब्लम हमको 7-8 महीना पहले बताए थे वो सारा प्रॉब्लम हमें लग रहा है कि अभी जाके स्टार्ट हुआ है। फिर मैं गया, सारा सप्लीमेंट दिया, ट्रीटमेंट किया, काफी रिस्पांस मिला उनको, यहाँ तक कि उनको विश्वास नहीं हुआ था ट्रीटमेंट इलाज करने के बाद भी। उनको मैं इतना तक बता दिया था कि आपको कौन से डिस्क का प्रॉब्लम है और वो सारा समस्या, जैसे मैं उनको पहले ही बता दिया था कि आपको L4-S1 का प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने जाके और MRI कराया, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल स्पाइन पे ये अपना हाथ रख के कैसे बता सकते हैं कि हमें किस डिस्क का क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो MRI भी कराए। MRI कराने के बाद फिर उसमें जब दिखा कि L4-S1 का प्रॉब्लम है, 5 लेवल तक है, तब उनको 100% विश्वास हो गया कि हमें कोई नहीं ठीक कर सकता है, अगर ठीक कर सकते हैं तो यही ठीक कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे मैं बताया वैसे उन्होंने करना स्टार्ट कर दिए। BCM करने के लिए नहीं आ पा रहे थे, मैं बोला आप BCM ले लीजिए, उन्होंने BCM दिया, BCM लेके फिर दोनों टाइम BCM करना स्टार्ट किए, सप्लीमेंट पूरा यूज करना स्टार्ट किए, और आज अभी 15 दिन हुआ उनको ट्रीटमेंट करते हुए और आज पूरी तरह से एकदम फिट हैं और अपना कारोबार उनका है, अपना कारोबार संभाल रहे हैं। तो अपना एक्यू लाइफ मशीन जो है वो भी हेल्थ से अवेयर कराता है, हमें अवेयर कराता है। जब हम अपना चेकअप, किसी का भी चेकअप करते हैं तो हमारा ये एक्यू लाइफ मशीन हेल्थ से अवेयर कराता है कि अब आप बीमार होने वाले हैं तो आप बीमार होने से पहले ही ठीक हो जाएं, यानी आप बीमार नहीं होंगे इससे पहले आपको बता रहा है कि आपके इस ऑर्गन में प्रॉब्लम 7 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद होने वाला है, यानी जो 6 महीना, 1 साल बाद होने वाला है उससे पहले ही आप ठीक हो जाएं, ये चीज बताता है हमारा एक्यू लाइफ मशीन।
बीमारी के बाद तो बताता ही है, ठीक करता ही है, लेकिन वो पहले भी बताता है। तो बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उनको ये विश्वास होता है कि हम यहीं से ठीक होंगे। तो ये है हेल्थ संकट, और इस संकट से बचने के लिए हमारे पास एक से बढ़ के एक बेहतरीन इक्विपमेंट और एक से बढ़ के एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है जो हेल्थ से बचाता है, हमें हेल्थ संकट नहीं आने देता है, हमें किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू नहीं आने देता है। सारे लोग ठंडी में कोई बाइक नहीं लेके जा रहा है, कोई नहीं चला रहा है, हम लोग सब काम बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं, हमें कोई ठंडी नहीं लग रहा है। अपने आप को सेफ्टी जरूर रखना है, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट खा रहे हैं तो हम ऐसे निकल जाएंगे, सेफ्टी जरूर रखना है, लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि अगर हमें फॉलो अप करते हो तो आप बीमार नहीं होगे। आगे हम बात करेंगे आपके शरीर को प्रतिदिन क्या मिलता है। अस्वस्थ होने के कारण, यदि हम आप सारे लोग अस्वस्थ हैं तो इसका रीजन क्या है? रेडिएशन। नंबर वन जो प्रॉब्लम है अस्वस्थ होने का, वो रेडिएशन है। क्योंकि इस टाइम हर एक व्यक्ति के पास एक, दो, तीन, इतने सारे मोबाइल एक व्यक्ति लेके चल रहा है। एक व्यक्ति के पास एक मोबाइल तो होना ही है, ये तो 102% चांस है कि सबके पास होगा। लोगों के पास ही नहीं, बच्चों के पास भी मोबाइल, यानी जो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रेडिएशन के अंदर। अभी वो पैदा नहीं भी हुआ है, गर्भ में ही है, तभी भी वो रेडिएशन के दायरे में है, तभी भी वो रेडिएशन के दायरे में ही है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो हमेशा मोबाइल के टच में रह रही है। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि हम मोबाइल लेना ही बंद कर दें, मोबाइल रखना ही बंद कर दें, लेकिन ये संभव नहीं है। बिना मोबाइल का काम भी नहीं चल सकता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। हर चीज का तोड़ है, हर चीज का सॉल्यूशन है। और ये जो रेडिएशन से लोग परेशान है, इसका भी सॉल्यूशन है। अपने पास एंटी रेडिएशन ब्रासलेट है। कुछ भी रखिए, कितना हो मोबाइल रखिए, कुछ भी करिए, आप ब्रासलेट एक पहन के रहिए, आप रेडिएशन से तो बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि रेडिएशन एक अलग बीमारी है जिसको हम कहते हैं कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से लोग परेशान हैं, सर्वाइकल से, माइग्रेन से, सर्वाइकल माइग्रेन, ये सारी बीमारियां आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो रेडिएशन है। तो इसका सॉल्यूशन अपने पास है, एंटी रेडिएशन ब्रासलेट, जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को जरूरत है एंटी रेडिएशन ब्रासलेट की। दूषित हवा, दूषित हवा लेने से भी लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। पानी, पानी भी दूषित हो गया है। असंतुलित भोजन, यानी जो पहले का भोजन हुआ करता था 50-100 साल पहले, 150 साल पहले, वो ऑर्गेनिक था। वो लोग पहले ऑर्गेनिक पे विश्वास करते थे, बिना केमिकल वाले चीजों पे विश्वास करते थे और ऑर्गेनिक चीजें यूज उगाया करते थे। यहां तक कि किसी भी तरह का कोई दवा, कोई छिड़काव, कोई खाद नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी आप देखिए
जो बिल्कुल नहीं दिया जाता था धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया गया। आधा केजी कट्ठे में दिया जाने लगा, 1 केजी कट्ठे में दिया जाने लगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अभी 5 केजी 7 केजी खाद 1 कट्ठे में दिया जाने लगा। और अभी पहले की अपेक्षा अभी लोगों की स्थिति देखा जाए तो पहले के लोग बहुत ही हट्ठे कट्ठे और बहुत ही तंदुरुस्त हुआ करते थे, और अभी लोग भी कमजोर होना स्टार्ट हो गए हैं और बीमार भी पहले से ज्यादा पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये असंतुलित भोजन और वायरस का ही देन है, बैक्टीरिया, जंक फूड्स और इजी लाइफस्टाइल। वायरस की बात करें तो बॉडी में जैसे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होती हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होती हैं वो बॉडी को लाभकारी होती हैं बॉडी के लिए, जैसे इंटेस्टाइन में है इसमें गुड बैक्टीरिया होती हैं। अगर बॉडी में बैक्टीरिया ना हो तो हमारा भोजन अच्छे से, पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं करेगा, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। यानी बॉडी में बैक्टीरिया का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया के जगह पे बैड बैक्टीरिया आ जाए तो नुकसानदायक है। इजी लाइफस्टाइल, पहले की अपेक्षा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल काफी चेंज हो चुका है। पहले लोग काफी वर्क किया करते थे और मतलब बहुत ही मेहनत किया करते थे और मेहनत करके अपने आप को पूरा स्वस्थ रखते थे। और अभी की अगर हम बात करें, कोई भी काम है बिल्कुल घर से नहीं निकलना है, हमें कुछ मंगाना है तो घर से नहीं निकलना है, ऑनलाइन घर पे आ जाता है। हमें किसी भी तरह का कोई शरीर से मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर किसी भी तरह का कोई मेहनत नहीं कर रहा है, अपने शरीर को बिल्कुल लेजी और सुस्त बना के रखा है, तो उसको 100% समस्या आना ही आना है। जैसे शरीर फैटी हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, पेट बाहर आ जाना, और सबसे बड़ा जो समस्या है बॉडी के लिए पेट बाहर आ जाना, ये बहुत बड़ा समस्या है। पेट बढ़ते ही शुगर, बीपी, माइग्रेन, सर्वाइकल, तमाम तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये इजी लाइफस्टाइल के वजह से है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इतना कुछ है, इतनी सारी बीमारियां हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम खेत में खाद डालना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिना दवा के छिड़काव के बिना कोई भी सब्जी नहीं होने वाला है, बिना खाद दिए गेहूं नहीं होने वाला है। ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमें भोजन मिल सकता है। लेकिन इसके बाद भी हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? यानी कोई भी चीज परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उगाने वाला जो भी किसान है उसको भी पेट पालना है, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, और वो अपना पैदावार अधिक से अधिक करने के लिए वो अधिक से अधिक खाद देगा ही देगा, तभी जाके उसका अधिक से अधिक पैदावार होगा। लेकिन जो खरीद के खाने वाले लोग हैं, क्या पैसा दे के वो अच्छा से अच्छा भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चाहे कि हम अनाज न खा के फ्रूट्स खाएं, क्या फ्रूट्स ऑर्गेनिक है? नहीं है। फ्रूट्स में भी दवा छिड़काव सब किया जाता है, बड़ा किया जाता है, और यहाँ तक कि उसको अगर एक सेब है, अगर उसको सीजन के विपरीत भी आता है, अभी सीजन है तो आ रहा है, अभी सीजन नहीं है तो भी सेब आ रहा है, तो क्या इसको तोड़ के रख देने से रुक जाता है? नहीं रुकता है।
इसमें भी दवा डाला जाता है, इसमें भी केमिकल डाला जाता है, और केमिकल डाल के ही इसको स्टोर किया जाता है। यानी हमारा जो फ्रूट्स है वो भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये सब कुछ का सोल्यूशन है अपने पास, हमारे ट्यांस संस्था के पास, हमारे ट्यांस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये सभी प्रॉब्लम का, सभी समस्याओं का समाधान है जो आगे आप लोग देखेंगे। टीसीएम, हमारा जो ट्यांस इंडस्ट्री है, हमारा जो ट्यांस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ये काम करता है हमारा टीसीएम, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थेरेपी। टीसीएम के बारे में हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं कि टीसीएम तीन पद्धति को एक साथ लेके चलता है, जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर प्लस आयुर्वेद, ये तीनों को मिला के ही ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बना हुआ है, जो व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए 100% यहां से गारंटी लेके व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है। और ये चीज मैं जैसे पहले आप लोगों से बताया था कि अगर टीसीएम को कोई भी व्यक्ति फॉलो करे तो बीमार नहीं होगा, और 100 साल प्लस जीने का मैं गारंटी लिख के दे दूंगा कि वो 100 साल प्लस जिएगा, लेकिन टीसीएम को फॉलो करे तब। आगे आप लोग देख रहे होंगे सोल्यूशन इज ट्यांस, यानी ये सभी बीमारी का हमारे ट्यांस में जो सोल्यूशन है, जो टीसीएम में आप लोगों से बताया था, वो फॉलो करता है 4 स्टेप को। जो मैं बॉडी के सर्विसिंग की बात कर रहा था, तो बॉडी का सर्विसिंग जो हम लोग करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो भी सर्विसिंग करते हैं, वो 4 स्टेप को फॉलो करता है। 4 स्टेप को फॉलो करने में जो अपने पास सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है क्लींजिंग, यानी साफ सफाई। सबसे पहले कहीं भी अगर एक बाइक की भी बात की जाए तो उसको भी सर्विसिंग के पहले साफ सफाई किया जाता है। एक एक पार्ट को खोल खोल के उसकी साफ सफाई की जाती है। उसके बाद उसमें ऑयल, मोबिल, जो कुछ भी होता है उसके बाद डाला जाता है। फिर जाके उसको बैलेंस भी किया जाता है, यानी उसमें जो भी नया मोबिल ग्रीस जो कुछ भी डाला गया ये अपना सप्लीमेंट में आ गया। उसके बाद उसको बैलेंस भी किया जाता है, यानी जो भी खोला गया रहता है उसको बैलेंस कर करके सीधा करके फिर कसा जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में उसको पॉलिश करके जो कुछ भी करके, यानी जिसको कहते हैं प्रिवेंटिंग, ताकि ऊपर से बिल्कुल नीचे वाले जो पार्ट हैं उसको कोई इफेक्ट ना करे, इसके लिए उसको पॉलिश किया जाता है। यानी एक बाइक की सर्विसिंग में भी 4 स्टेप का फॉलो किया जाता है, 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है। अगर एक घर का भी सर्विसिंग करना हो तो उसमें भी 4 स्टेप का फॉलो किया जाता है। सेम वैसे ही अगर अपने बॉडी का भी सर्विसिंग करना हो तो इसमें भी 4 स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने बॉडी का सर्विसिंग करना हो तो।
तो पहले क्लींजिंग आता है। क्लींजिंग में क्या करना होता है? क्लींजिंग में अपने पास सप्लीमेंट आता है, डिटॉक्सिफाई करने वाला सप्लीमेंट जो अपने पास है, ओपीसी, टिपोली, मल्टीविटामिन, ये सब बॉडी से जितने कचड़े हैं सबको बाहर निकालता है। हाई फाइबर है, एफएस है, ये सब सप्लीमेंट प्लस क्लींजिंग सब दोनों में काम करता है, क्योंकि क्लींजिंग तभी होगा जब हमारे बॉडी से बैड बैक्टीरिया बाहर होंगे और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो बैड बैक्टीरिया बाहर कैसे होंगे? जब हम क्लींजिंग प्रोडक्ट खाएंगे। जैसे ओपीसी टिपोली का काम होता है, ओपीसी टिपोली जो काम करता है, हमारे बॉडी के ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देता है, पूरी तरह से बॉडी के ब्लड को क्लीन कर देता है। यानी किसी भी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका रीजन होता है कि ब्लड में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होना। ब्लड के इन्फेक्शन से ही बॉडी में एलर्जी बढ़ता है, और जब एलर्जी बढ़ता है तभी जाके बॉडी में स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ओपीसी, टिपोली, मल्टीविटामिन, एफओएस, हाई फाइबर, ये सारे सप्लीमेंट लेने होते हैं, क्योंकि ये काम क्या करता है? ओपीसी, टिपोली ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, एफओएस, मल्टीविटामिन, हाई फाइबर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन करेगा, और हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा और बैड बैक्टीरिया को किल करेगा। एफएस का काम क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में जो भी बैड बैक्टीरिया होती हैं, उसको किल करता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इसके बाद आता है सप्लीमेंटिंग, यानी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो गया तो सप्लीमेंटिंग, यानी हमारे बॉडी में सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर किसी को आयरन की जरूरत है, एफी प्लस, किसी को जिंक की जरूरत है, जिंक लेगा, एस्पारुलिना लेगा, ये सारा हमारा सप्लीमेंट है जो बॉडी में हमेशा जरूरत होता है। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, अगला स्टेप है बैलेंसिंग, यानी बॉडी को बैलेंस करने का जो काम। तो बॉडी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बेशक हम बॉडी को क्लीन कर लें, सप्लीमेंट हमेशा देते रहें, लेकिन बॉडी अगर बैलेंस ना हो तो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है। बैलेंस कैसे होगा? स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा? जब हम अपना, हमारे पास जो बीसीएम होता है, एक्यूलाइफ होता है, अपने बॉडी में जो एक्टिव पैसिव मेरिडियन चैनल होते हैं, तो ये सारी जो बॉडी में एक्टिविटी है, जैसे अपना एक्यूलाइफ क्या करता है, अगर एक्टिव एनर्जी बढ़ा हो तो उसको पैसिव करने के लिए पॉइंट होता है, उसकी एक्टिविटी को इक्वल करने के लिए पॉइंट होता है। यानी एक्टिविटी बढ़ा हुआ है तो उस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, एक्टिविटी घटा हुआ है यानी पैसिव एनर्जी बढ़ा हुआ है तो उस पे पॉइंट को ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये इक्यू लाइफ से ट्रीटमेंट करके बॉडी को बैलेंस किया जाता है। अपने पास बीसीएम मशीन है जो पूरी तरह से बॉडी को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, बॉडी में अगर बीपी अप डाउन होता हो उसको बैलेंस करता है, शुगर का समस्या हो उसको बैलेंस करता है, अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई उसको बैलेंस करता है,
प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई उसको बैलेंस करता है। तो बीसीएम मशीन मतलब एक मिनी हॉस्पिटल घर का, यानी प्रत्येक घर में एक बीसीएम मशीन होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस तो करता ही है लेकिन अपना बीसीएम मशीन भी बॉडी से डिटॉक्सिफाई का काम करता है, बॉडी को क्लीन करने का भी काम अपना बीसीएम मशीन करता है। इसके बाद आता है प्रिवेंटिंग। अगर इतना सब कुछ हो गया तो जाके हम पूरी तरह से अपने आप को सर्विस समझते हैं कि हाँ हमारे बॉडी का सर्विस हो गया। क्या एक व्यक्ति को पूरी तरह से सर्विसिंग करने के लिए टाइम की अगर हम बात करें तो कम से कम 20 दिन का टाइम लगता है, यानी 20 दिन अगर एज के अनुसार अगर वो कभी नहीं सर्विसिंग कराया है, 50 साल का हो गया है, तो उसको कम से कम 1.5 महीना सर्विसिंग के लिए लगेगा। अगर एक बार पूरी तरह से अपने बॉडी का सर्विसिंग करा लेता है तो फिर वो 6-7 महीना किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं आ सकता है, उसको कोई समस्या आ ही नहीं सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने बॉडी का सर्विसिंग कराना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप सब लोग अपने अपने वाहनों का सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही आप सब लोग अपने बॉडी का सर्विसिंग पे केवल ध्यान दे दीजिए, पूरा विश्व हेल्थ के संकट से दूर हो जाएगा और हेल्थ क्राइसिस कभी नहीं आएगा फिर। और ये हमारा जो ट्रांस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी बेस पे काम कर रहा है कि हमारे पूरी विश्व में कभी हेल्थ क्राइसिस ना आए, पूरे विश्व को एक साथ लेके चल रहा है, पूरे विश्व को हेल्थ से बचाने का काम कर रहा है। तो ये अपना 4 स्टेप है पूरे बॉडी को क्लीन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच लीडर्स। हमारा सेशन इतने टाइम का ही था और आगे हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जबरदस्त और डायनेमिक लीडर मधु मैम है फ्रॉम देवरिया से, तो मैम आप इसको कंटिन्यू करें। बहुत ही वंडरफुल सेशन विवेक जी, बहुत ही वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट एंड वंडरफुल सेशन। आपका सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त था और आपने बहुत ही ग्रेट नॉलेज प्रेजेंट की। आपने टीशम पद्धति के बारे में बताया, हर एक चीज, हर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में काम आता है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा क्लींजिंग है, कौन सा सप्लीमेंटिंग है, इस सारी चीजें आपने बताया। सो थैंक यू सो मच, आपका सेशन आज का बहुत जबरदस्त था, बहुत ही वंडरफुल था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोस्ट वेलकम। मधु मैम आप होस्टिंग संभाल लें। जी जी सर। ओके मैम, ओके, वेलकम मैम। तो सर का सेशन आज का बहुत जबरदस्त था और सर के सेशन से हम सभी लोगों ने बहुत ही
अच्छा नॉलेज प्रेजेंट किया, बहुत ही ग्रेट नॉलेज प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा नॉलेज सर दिए, तो उनके सेशन से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे। तो थैंक यू सो मच सर। एंड अब हम सभी लोगों का रिव्यू लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं कॉल करना चाहूंगी हमारे पैनल पे हम सभी के महागुरु, हम